नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है और अगर आप थायरोक्सिन नाम की गोली ले रहे हैं तो इसको कैसे लिया जाए और इसको लेने के समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये गोली हम क्यों लेते हैं। हाइपोथायरायडिज्म का मतलब होता है कि आपकी थायराइड की एक्टिविटी कम हो गई है और आपका वज़न बढ़ गया है, आपका मुंह सूज गया है, आपके बॉडी के अंदर आपको सूजन आ चुकी है। साथ में साथ आपकी जो भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर सिस्टम्स होती है, उसका मेटाबॉलिक रेट भी इसके अंदर कम हो जाता है और इसके पूरे बॉडी के अंदर कई प्रकार की हार्मफुल इफेक्ट्स हमको देखने को मिलती हैं। जो डायग्नोसिस करने के लिए हम इसका थायराइड का टेस्ट कराते हैं, जो होता है TSH का रिपोर्ट। तो अगर आपका TSH 10 से ज़्यादा आता है और अगर आपका T4 का लेवल, मतलब कि थायराइड हॉर्मोन्स जो T4 नाम का होता है, अगर वो कम आता है तो इसका मतलब है कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी है, जिसके लिए आपको ये टैबलेट लेनी पड़ेगी। हमारे साथ है ये थायराइड की शीशी, जिसको हम बोलते हैं थायरोनोम। थायरोनोम एक प्रकार की थायराइड की गोली है, यही गोली हमको लेनी होती है। तो सब ये पहले इस बोतल के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो बोतल है वो नॉर्मली ब्राउन कलर के शीशी होती है, जिसके अंदर वाइट कलर की छोटी छोटी गोलियाँ होती है। नॉर्मली ये 120 गोली है, तो 100 गोलियों का एक पूरा पैक होता है, मतलब कि आपको एक साथ में 3 या 4 महीने का कोर्स मिल जाता है। और इसको अगर हमको घर के अंदर स्टोरेज में रखना है तो इसको हमें कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही रखना चाहिए। बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए और इसको एक सेफ जगह पर रख लीजिए। अगर हमें इसको गोली को लेना है तो इसको कैसे लेना चाहिए, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। गोली का टाइमिंग है कि हमें गोली सुबह लेनी है और इसको हमें सुबह के नाश्ते के आधे घंटे या तो 1 घंटे के पहले लेनी है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि नॉर्मली हमारा मेटाबॉलिक जो रेट होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, वो ज़्यादातर दिन में ही ज़्यादा होता है, तो इसको कवर करने के लिए ये गोली हम दिन में लेते हैं, रात में नहीं लेते हैं। दूसरा, हमको इसको ब्रेकफास्ट के पहले क्यों लेना है, क्योंकि अगर हम इसको भूखे पेट लेते हैं तभी ये अच्छी तरह से काम करती है। खाने के साथ अगर इस गोली को लिया जाए तो खाने की वजह से जो हमारा फूड होता है, जो खाना होता है, ये इस गोली की एक्टिविटी को कम कर देता है। इसकी वजह से ये ठीक से काम नहीं करती है। इसका मतलब ये गोली या तो काम नहीं करेगी या तो हमको हायर डोज का यूज़ करना है। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें ये गोली दिन में लेनी है और इसको भूखे पेट सुबह लेनी है, आधे या 1 घंटे से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट। अब ये जो गोली लेनी कैसे है, तो इसका एक्चुअली जो आइडियल मेथड है वो आपको दिखा दें, जो कोई इसको इस तरह से लेना चाहे या तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको ये तो पूरा पैक है, मैं इसको आपको इस बोतल के हिसाब से समझाता हूँ। तो ये जो गोली बोतल है, तो हमको लेने के लिए इसको इस ऊपर की जो कैप होती है, आप इसको कैप को आप निकाल दीजिए। कैप को निकालने के बाद इसके अंदर जो गोलियाँ होती है, आपको उसको हाथ से टच नहीं करना है। इसमें से जो गोली होती है आप कैप के अंदर इसको डाल दीजिए, ये आगे आगे गोली आपकी इसके अंदर, और इसको डायरेक्टली आप एक गिलास पानी के साथ इसको आराम से पी सकते हैं। तो इससे आपका हाथ आपकी गोली पर टच नहीं करेगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे हाथों में कई बार नमी होती है या तो कुछ ये ठीक से साफ़ नहीं होते हैं, तो अगर आप हाथों से इसका छू रहे हैं तो गोली उसके गोली के ऊपर इसके स्टेन हो जाते हैं और ये आपके पेट में जा सकता है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको बोतल होता है उसके कैप के अंदर उसको रख दीजिए और डायरेक्टली उसको पानी के साथ पी लीजिए, तुरंत ही पी लीजिए, तो ये अच्छी तरह से काम करेगा। अगर आपको ये ठीक से नहीं आता है तो भी इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गोली को लेने से पहले अपने हाथों को ठीक से साफ कर लीजिए, उसको फिर उसको सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक गोली उसमें से लेनी है और गोली उसको निगलने के बाद आपको अच्छी तरह से पानी पी लेना है। कभी भी याद रखिए, गोली को बीच में से तोड़िए मत इसको या कुछ के टुकड़े मत करिए। गोली हर एक स्ट्रेंथ में आती है, समझ लीजिए ये 12.5 माइक्रोग्राम, फिर 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, 82.5 माइक्रोग्राम, 100, 125। तो गोली हर एक स्ट्रेंथ में आती है। अगर आपको डोजेज ऐसा प्रकार का है तो आपको हर डोजेज के अनुसार गोली मिल जाएगी, तो कभी भी गोली को तोड़िए मत। अब जानते हैं कि आपका डोज कितना होगा। ये गोली का, जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के डोजेज आपको ऑलरेडी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। ये जो डोज होता है वो आपके वेट के अनुसार आपको डॉक्टर्स आपका एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपका वेट जो होता है, अगर उसके साथ आप 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो आपको मिल जाता है कि आपका कितना डोज आपको चाहिए।
तो आपके वजन के अनुसार होता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है उनका डोसेज ज़्यादा होती है, जिनका वजन कम होता है उनकी डोसेज कम होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को और बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, इन लोगों को भी डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो सिर्फ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको करना चाहिए। अब जानिए कि ये जो गोली होती है इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होती है कि नहीं होती है। तो इसकी गोली की बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होती है, मतलब आप मान लीजिए कि ये गोली की साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ना के बराबर है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। अब ये गोली का असर कब आएगा, तो एक बार आप हाइपोथायरायडिज्म की गोली शुरू करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे टाइम के बाद आता है। मान लीजिए ये 6 या 8 हफ्तों के बाद उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि मैंने गोली खाना शुरू किया है फिर भी मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ अच्छा है, मैं तो शरीर जैसा था वैसा ही है और कोई अच्छा मुझे नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ी धीरज धरनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 6 या 8 हफ्तों के बाद ही इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। इसीलिए जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा गोली इफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, इसलिए हम उसका 6 या 8 हफ्तों के बाद TSH का लेवल का रिपोर्ट करवाते हैं। अगर आपका TSH का रिपोर्ट 6 या 8 हफ्ते के बाद नॉर्मल आ जाता है तो इसका मतलब है कि गोली आपको सूट कर रही है। कई लोग ऐसे होते हैं, इनको लगता है कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है तो मुझे गोली बंद कर देनी चाहिए या तो फिर गोली का डोज कम कर देना चाहिए। तो ऐसा कतई मत करिए। आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया इसका मतलब यही है कि गोली का आपका जो भी डोज डॉक्टर्स ने एडजस्ट किया है वो आपको एग्जैक्टली सूट कर रहा है। इसका मतलब कि आपको इसका ये डोज तो आपको लेना ही है। अगर आप डोज कम करेंगे या तो फिर आप गोली बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आपका थायराइड का लेवल जितना 6 या 8 हफ्ते के बाद जैसा था वैसा के वैसा हो जाएगा, मतलब कि आपका थायराइड का लेवल TSH आपका बढ़ जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपने कोई डोज चेंजेस किया है किसी भी वजह से या तो कुछ आपने गोली बंद करी है, तो डॉक्टर को आप तुरंत बता दीजिए और कभी भी अपने आप डोज का एडजस्टमेंट मत करिए। अगर एक बार आपने थायराइड का रिपोर्ट करवा लिया 6-8 हफ्तों के बाद और आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है, आपको गोली कंटिन्यू करनी है, तो उसके बाद भी आपको TSH का रिपोर्ट और T4 का रिपोर्ट आपको मॉनिटरिंग करता रहना है। रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करवाते रहेंगे तो कई किस्सों में ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करवाते हैं तो ये गोली का ओवरडोज हो रहा है, मतलब आपका थायराइड जो हाइपोथायरायडिज्म है वो कभी कभी चेक किए बिना ऐसे ही गोली लेते रहें तो हाइपोथायरायडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, या तो कभी कभी आपका जो गोली का है वो डोज अंडर डोज ही रहता है, मतलब आपको थायराइड अच्छा होता ही नहीं है और आपको हाइपोथायरायडिज्म कुछ अंश तक रह जाता है, इसलिए आपको थायराइड का रिपोर्ट आपको हर बार करवाना पड़ता है। हाँ, अगर आपका एक बार आपने 6 या 8 हफ्तों के बाद शुरुआत में आप लेते हो, उसके 6-8 हफ्तों के बाद आप फिर से ये रिपोर्ट कराते हो, अगर आपका रिपोर्ट फिर नॉर्मल आ भी जाता है तो भी आपको हर 3 या 6 महीने के बाद आपको रिपोर्ट करवाना चाहिए और आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका थायराइड ठीक रह रहा है, आपकी गोली आपको ठीक से असर कर रही है। मान लीजिए अगर आपको 1 या 2 साल के बाद आपने देखा कि आपका कभी भी रिपोर्ट करवाया, आपका कभी भी रिपोर्ट ज़्यादा नहीं आया है, एकदम आप सही रह रहे हैं, तो आप यही रिपोर्ट हर साल एक बार आप करवा सकते हैं या हर साल में एक बार करवा, इतना आप छूट आप ले सकते हैं। अब ये गोली की जो गोली होती है इसकी दूसरी गोलियों के साथ कोई इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती है, कौन सी गोलियाँ आपको इसके साथ लेनी चाहिए, कौन सी गोलियाँ आपके साथ इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो गोली, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एसिडिटी है और एसिडिटी के लिए अगर आप कोई लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम है, या तो अगर आप सुक्रालफेट नाम की और कोई जो बोतल आती है पीने की जो एसिडिटी में काम करती है, अगर वो आप ले रहे हैं तो ये आपको इस गोली के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये थायराइड की गोली की इफ़ेक्ट आपको कम कर देती है। अगर आपको ओबेसिटी है अगर और ओबेसिटी के लिए आप ऑर्लिस्टेट नाम की गोली ले रहे हैं तो इसको इसके साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आपका हेयरफॉल हो रहा है और डॉक्टर्स ने आपको सप्लीमेंट के तौर पे बायोटिन नाम की दवाई आपको प्रिस्क्राइब करी है तो बायोटिन को भी थायरोक्सिन नाम की गोली के साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए, उसको भी अलग लेना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी में आप गोलियां ले रहे हैं जिसका नाम है या तो फिर लैंथोप्राज़ोल है या तो ओमेप्राज़ोल है, तो ऐसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स नाम की जो गोलियां आती है इसको भी इसके साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिटी कम कर देता है, इसकी वजह से इस गोली का ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और इसकी इफ़ेक्ट आपकी कम हो जाती है। अगर आपको खून की कमी है और इसके लिए अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो भी इस आयरन की टैबलेट को थायरोक्सिन की गोली के साथ आपको नहीं लेना चाहिए, इससे थायराइड की एक्टिविटी आपकी गोली की एक्टिविटी कम हो जाती है और ये ठीक से असर
नहीं करनी है। अब स्पेशल बात कर रहे हैं उन लोगों की जो 60+ हैं और इनको कुछ न कुछ बीमारी है, तो इनको क्या ज़रूरत होती है कि डोज एडजस्टमेंट करें या तो फिर कम करें? तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है जिन लोगों को 60+ उम्र है और साथ में इनको हार्ट ट्रबल है। ऐसे लोगों को ये गोली शुरू करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उनको साथ में और कोई बीमारियां हैं कि नहीं है, और इसमें बहुत ही लो डोज से शुरुआत करते हैं और साथ में उसका फ्रिक्वेंटली हम चेक करते हैं कि इनको थायराइड का रिपोर्ट सही है कि नहीं है, कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही फ्लक्चुएट करता है और उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने के या तो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन होने के काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए जिनकी 60+ उम्र है, साथ में उनको हार्ट ट्रबल है या और कोई भी बीमारी है, तो इन लोगों को ये गोलियां बहुत प्रिकॉशन के साथ लेनी पड़ती है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में इस गोलियों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, कौन सी मामलों में ये गोलियां कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो जो भी मरीज़ ने ये गोली पहले ली हुई है और इसको इस गोली की वजह से अगर कोई भी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो इनको ये गोली नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको ओबेसिटी है या तो फिर ओबेसिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनको भी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिला है को भी ये गोली लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ठीक से लेनी चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको अटैक आ चुका है, मतलब जिनकी रिदम अच्छी नहीं है, जिनको पल्पिटेशन रहते हैं, ट्रेमर्स रहते हैं, या तो फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को भी ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। लेने से पहले उनको हमेशा डॉक्टर्स की सही से एडवाइस लेनी चाहिए, तभी ये गोलियां उनको ठीक से काम करेगी और उनको कोई इफेक्ट